بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and very good morning to all. उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। बच्चों, कल आखिरी जो हमने बात डिस्कस की अकाउंटिंग के लेक्चर में, दैट वॉज रिलेटेड टू, अगर आप सब वाकई में उठ चुके हैं तो यकीनन आपको याद होगा, किसी को याद नहीं है? The topic which we discuss in the class, Nurul Fatima, the topic which we discuss in the last moment, thank you Rehana, thank you Nurul Fatima, bookkeeping, objectives of bookkeeping and distinction or difference between bookkeeping and accounting, and all these headings are according to your SLOs, because जब आप SLO को study करना शुरू करेंगे, देखेंगे, align करेंगे चीजों को, मेरे lecture को उससे align करेंगे, तो आप ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज़ ना मिले। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ साथ ही तकरीबन चीज़ें कवर कर रहा हूँ। बहरहाल हम बात को आगे लेके बढ़ते हैं। मेरे साथ क्लास में इस वक्त तक तकरीबन 15 लोग मौजूद हैं, 16-17 हो गए। ये 8:07, 8:08, 8:06 तक ज्वाइन करने की लॉजिक मुझे समझ नहीं आती, माजरत के साथ। 2-3 मिनट चलें, 5 मिनट तक का लेवरेज मिल जाना चाहिए। और कितना लेवरेज चाहिए आपको? 45 मिनट की क्लास है, उसमें आप साथ साथ 8-8, 10-10 मिनट जब लेट आएंगे तो फिर लेक्चर का निकल जाएगा ना बच्चों। और आपको पता भी है कि आप एक ऐसे सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं जो आपने पढ़ा नहीं है। ये मैं स्पेशली मुखातिब हूँ साइंस के स्टूडेंट से, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने इससे पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है। बहरहाल अब तक मेरे साथ 21 स्टूडेंट मौजूद हैं और मैं नई चीज़ शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि आज एक छोटा सा असाइनमेंट आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और वो असाइनमेंट डेफिनेटली जो कल हमने एक इक्वेशन डिस्कस की है, अगर आपको याद हो, इक्वेशन याद है सब बच्चों को? सब बच्चे हैं हमारी क्लास के, सुबह उठ के लॉगिन करने के बावजूद भी रिप्लाई नहीं कर रहे भाई। अब जब उठ ही गए हो, लॉगिन भी कर लिया है, तो रिप्लाई भी कर लो ताकि पता चल जाए क्यों है। सर नहीं, इतने नींद में हैं आप कि यस के साथ टी भी लगा दिया,
चैलेंज ही। शुक्रिया जिन बच्चों ने रिप्लाई किया। अच्छा क्योंकि नीट में तो ये फीचर खत्म हो गया है जी। सानिया आपने भी बिलाखिर कहा कि चलो भाई आप सर की बात पे लबैक कह दें। बच्चों कोशिश क्या करें, 8 बजे क्लास का टाइम है ना, तो 8 बजे तक क्लास में आ जाएं। 8 बजे नहीं आ सकते तो 2-3 मिनट 4 मिनट बस, इससे ज़्यादा मार्जिन ना लें वरना आप ही का नुकसान है ना, नुकसान टीचर का थोड़ी है। मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो क्या आप मतलब तो मेरा कोई नुकसान होगा? हरगिज़ नहीं। फिर या तो आपको लेक्चर दोबारा बैठ के देखना पड़ेगा। तो बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने कहा आपसे कि हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, तो चलिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें आपको दो नाम नज़र आ रहे हैं, और उन दो नामों में सबसे पहला नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बच्चों आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या? बच्चों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये दो ही हैं तो ऐसा हरगिज नहीं है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की तादाद ज्यादा है और ये चीज़ मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है कि मैंने क्लास शुरू कर दी है, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ और अब अभी भी क्लास में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये प्लीज़ खुदारा जब मेरा पहला यूनिट हो ना तो इस चीज़ को मेक श्योर करें, वरना फिर मैं क्लास टीचर बन के दिखाऊंगा आपको सही वाला। तो बड़ी अदब से आपसे रिक्वेस्ट है कि वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें और हर क्लास में रखें तो बेहतर होगा। 1-2 मिनट 3 मिनट समझ में आते हैं, सर 10-10 मिनट बाद सो के उठेंगे जयाम साहब तो ये मुनासिब नहीं है। और मैं इस तरह मुस्तकिल डिस्टर्ब होऊंगा आपके बार बार ज्वाइन और रीज्वाइन करने पर। हाँ ये अंग्रेज ने सॉरी बना दिया लेकिन हमारी कौम को मतलब नहीं समझाया इसका क्या होता है। बस कोशिश कीजिएगा या अगली बार दोहराइएगा ना इस अमल को, सॉरी कहना ही ना पड़े कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो बच्चों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अब बात यह है कि हमने तो ये समझा कि अकाउंटिंग तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लिखना, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना, एक जगह लाकर इस अंदाज में पेश करना कि हर पढ़ने वाले को समझ आ जाए। तो अब ब्रांचेस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी भाई अकाउंटिंग की? तो बात यह है कि बिज़नेस में मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस में मुख्तलिफ तरह के अंदाज हैं काम करने के। मसलन एक बिज़नेस सिर्फ सामान ख़रीदता है और उसी हालत में बेच देता है। फिर कह रहा हूँ ये जुमला, एक बिज़नेस सामान ख़रीदता है और उसी हालत में बेच देता है। प्लीज़ राइट द टाइप ऑफ business, please write the type of business in chat box. आर्यन गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कल मैंने बड़ा मुखातिब किया आपको लेकिन सर आप क्लास में लॉग इन करने के बाद शायद मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ मुनासिब नहीं होगा, सो गए थे या फिर क्या मसला था? आप बस क्लास में आते जाते रहते हैं सर, ज़रा मुझे बता दें प्लीज़। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ठीक है, फिर आप मेरी क्लासेस को अपनी मर्जी से ले लें जब तक आप चाह रहे हैं। फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मैं आपसे बात करूँगा नोटबुक देखने के बाद। और
कोशिश करूंगा। एंड पर आपको ये भी सब लोगों को बता दीजिए, आलियान साहब आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, कंप्यूटर साइंस से है, और इतनी बेदिली से पढ़ेंगे अगर आप कॉमर्स को तो मेरा सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आएगा प्यारे भाई आपको। फिर आलियान साहब आप बोल रहे होंगे सर के हमें आपका सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, हमें मुश्किल हो रही है, तो देख लीजिए सर आप वो क्या कहते हैं उर्दू में, ज़रा मुनासिब कर लीजिए, तो आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना दोनों आसान हो जाएगा सर। नहीं सर, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं सुने आप? रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो फिर ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है इसकी तो वर्थ ही खत्म हो जाएगी ना। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फिर हम रिकॉर्ड करके रोजाना लेक्चर अपलोड कर देते हैं, फिर आप लोगों को लाइव क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है। फिर किस तरह से आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी क्वेरीज को कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है ना कि आप यहाँ पर आए, लाइव डिस्कशन करें, कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो करें, आपकी क्लास अपने क्लासमेट्स के कमेंट्स को पढ़ें, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर चेक करें। तो सर पहली बात तो ये कि नेक्स्ट टाइम जरा क्लास में केयरफुल रहिएगा, दूसरा ये वालेकुम असलम ताबिश साहब, ये 8:15 हो रहे हैं सर, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम। रिक्वेस्ट है सर ये आप सब लोगों से, तमाम प्यारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वक्त का खास ख्याल रखें, और वो तमाम स्टूडेंट तो लाजमी रखें, मेरी रिक्वेस्ट है जो जिनका साइंस बैकग्राउंड है भाई। देखिए क्लास को इंटरेक्टिव बनाना तो आपका काम है ना, आप बस मजबूरन थोड़ी सुन रहे हैं, आपने कोई मजबूरी में खुदा ना खास्ता इस कॉलेज में थोड़ी दाखिला लिया है। 15 मिनट में बेटा यही हुआ है कि आप वक्त पे आ जाया करें क्लास में, बस हर हर 2 मिनट के बाद एक नया स्टूडेंट आ रहा है क्लास को ज्वाइन कर रहा है, और अभी तक 27 लोग हैं मेरे साथ क्लास में आउट ऑफ 37। अभी फिर दोबारा कोई एक स्टूडेंट लेफ्ट होगा और वो रीज्वाइन करेगा, या फिर कोई नया स्टूडेंट आएगा, और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहरहाल देखें बात वही है कि आप जितना सीरियसनेस शो करेंगे ना, जितना एफर्ट करेंगे, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा ही रिटर्न देगा आपको। लेकिन जब आप चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे और बस, तो फिर खुद समझदार हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर में आ गए हैं अब, आप कोई मतलब 5, 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि आपको पता ना हो कि आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बच्चों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर क्या लिखा है वो आप खुद पढ़ सकते हैं और पढ़ चुके होंगे यकीनन बहुत सारे लोग तो। और लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था, द बिजनेस वेयर द एक्टिविटी इज बाइंग गुड्स, बाइंग थिंग्स एंड सेल इट टू अनदर कस्टमर या सेल इट टू अदर्स, तो उस एक्टिविटी को, उस बिजनेस के टाइप को, थैंक यू सो मच बच्चों आपने मेरी बात को मुकम्मल किया, उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। तो मुझे बताइए कि हर बिजनेस ऐसे ही ऑपरेट करता है? एवरी बिजनेस परफॉर्म इन द सेम मैनर, इन द सेम स्टाइल? नो, देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस वेयर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड देन सेल इट टू कस्टमर। इट मीन्स अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो बच्चों प्रोडक्ट बनाने पर कितने रुपए खर्च हुए ये भी तो मुझे पता होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? एक बिजनेस तो वो है ना जहां मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ और खरीद कर उसे बेच रहा हूँ, तो खरीदा कितने का, बेचा कितने का, कल वाली वीडियो याद है कितने की थी वो? एक प्लेट उसकी
कार्डियो की एक प्लेट कितने की थी कुछ याद है किसी को? रुपए, पाउंड्स, यूरो, कुछ भी कह लें आप, 100 की। तो बेटा वो 100 की, 100 रुपी, 100 यूरो, 100 पाउंड, 100 डॉलर्स उसकी कॉस्ट थी। और फिर वो उसे सेल करता था 500 में, तो डिफरेंस निकालकर हमें पता चला था प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमें पता थी, हमें सेलिंग प्राइस पता थी। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के वर्ड मुश्किल तो नहीं है आप लोगों के लिए? कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के वर्ड समझ आ रहे हैं? तो हमें बिजनेस का प्रॉफिट पता चला था। द अकाउंटिंग विच हेल्प अस टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, द अकाउंटिंग विच हेल्प अस टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी अब यहां पर वर्ड टू वर्ड आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही बताती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें? नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अकाउंटिंग के यूजर्स को, असिस्ट करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे बच्चों, याद है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे? फर्स्ट वन वॉस, शाबाश नूरुल फातिमा, खुश रहिए, बाकी लोग भी कोशिश करें, एक्सीलेंट आलिया, थैंक यू शायान साहब, रियाना, दुआ, आप तमाम लोग वो हैं जो माशाल्लाह क्लास में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्टिव नज़र आते हैं। अल्लाह करे बाकी लोग भी इसी तरह, तो बाकी लोगों के भी नाम मुझे ऐसे ही याद हो जाए कि अगर वो लोग भी पार्टिसिपेट करते रहें। मुझे अंदाज़ा है कि मोबाइल में जब आप क्लास ले रहे हो तो उस पर तो नींद इतनी शदीद आ रही हो, आवाज़ इतनी सुरीली हो दूसरी तरफ से, तो दिल भी नहीं चाहता टाइप करें आंसर, ऐसा ही है ना? लेकिन क्या करें बच्चों, पढ़ना है और ये मजबूरी नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। तो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, थैंक यू सो मच, कंप्लीट आंसर भी मुझे रिसीव हुआ है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। तो अरे बच्चों बस बात यह है कि सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं बल्कि बिजनेस की मौजूदा क्या कहना चाहिए, पोजीशन, करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये दोनों चीजें बनाकर हमें बताती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और आज बिजनेस की क्या पोजीशन है, इस तमाम चीज़ों के जानने में मदद करती है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेरा ख्याल है दूसरी ब्रांच की तरफ चलते हैं, बड़ी आसान है, अगर आप देख रहे हो यकीनन आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। मेरे प्यारे बच्चों, When you purchase goods for the intention of sale it to others, when you purchase goods to resell it, at that time, और यू कह सकते हैं कि आपको पता होता है कि भाई आपने खरीदा है इतने रुपए में और आप बेचेंगे इसे, बट वेन यू बाय समथिंग टू प्रोड्यूस गुड्स, टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, और आपका इंटेंशन ये हो कि आपने उस सामान से कुछ बनाना है, तो अब वो बनाकर कितने का पड़ेगा ये आपको पहले से पता नहीं होता। हाँ आप उसका बजट कर सकते हैं, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट द एक्चुअल कॉस्ट कम्स इन टू योर नॉलेज वेन यू फिनिश द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। उससे पहले तो आपको पता नहीं होती ना कि आप जो सामान बना रहे हैं वो कितने का पड़ेगा आपको, या पता होता है, आप अंदाजा तो लगा सकते हैं, बट द रियल कॉस्ट विच यू इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, इट कम्स इन टू योर नॉलेज वेन यू फिनिश द प्रोडक्शन।
एग्जैक्टली नूर उल फातिमा, जैसे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करना। तो बच्चों मैं इसलिए इस जुमले को अदा नहीं कर रहा था नूरुल फातिमा जो आपने लिख के भेजा है, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे इस साल, बस सिर्फ हमें, और इस साल क्या हम नेक्स्ट ईयर की बात नहीं करेंगे, बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ऐसी अकाउंटिंग जो हमें ये बताने में मदद करे, जो हमें ये बताए कि किस तरह से गुड्स की कॉस्ट जो हमने मैन्युफैक्चर की है, जो हमने प्रोड्यूस की है, उन्हें कैसे डिटरमिन किया जाता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। तो याद रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट मालूम करना है उस सामान की जो बनाया बनाया प्रोड्यूस किया मैन्युफैक्चर किया बिजनेस ने, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, आगे बढ़ता हूँ, अगर आपको समझ में आ रही है बात अल्लाह करे। और 30 स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद हैं मेरे साथ, स्टिल 7 स्टूडेंट्स एबसेंट हैं आज क्लास में। थोड़ा सा अटेंडेंस पे आपकी जरा ध्यान दें, बीइंग अ क्लास टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो हर सब्जेक्ट टीचर अपने यूनिट में आपकी अटेंडेंस को मेक श्योर करेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा सा जरा अटेंडेंस का ध्यान रहे, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि कोशिश कीजिए। देखें 8 बजे अगर नहीं, खुदा ना खास्ता, आप क्लास को ज्वाइन कर सके, लाइट चली गई है एट शार्प 8 o'clock, लाइट चली जाती है, 4 से 5 मिनट लगते हैं आपको डेटा कनेक्शन पे आने में, ये भी मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको जरा ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट ब्रांच है मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अगर मैं ये कहूँ कि मैनेजेरियल अकाउंटिंग कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है बच्चों कि सोचिए, इस अकाउंटिंग का नाम बता रहा है मैनेजेरियल अकाउंटिंग, इसको डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग भी कहते हैं, अपने पास लिख लीजिए प्लीज। आप सबके असाइनमेंट में मैं कोशिश करता हूँ ये वाली बात भी एज एन असाइनमेंट पोस्ट कर दूं, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं ताकि आपको पता हो और अचानक आपके सर पे ना पड़े, आप ये ना बोलें कि क्या सर ने हमारे लिए एकदम अचानक मुसीबत डाल दी। मैंने जितना काम क्लास में पढ़ाया है, हर क्लास में जो चीज डिस्कस की है, वो आपके रजिस्टर में इन रिटन होनी चाहिए। जितनी बातें हमने क्लास में डिस्कस की हैं, सिर्फ पीपीटीज की बात नहीं हो रही है, मैंने जो कुछ क्लास में डिस्कस किया है, जो कुछ हमने, अब जैसे एसेट्स पीपीटीज में आपको मौजूद नजर नहीं आ रहे, हाँ इक्वेशन में जरूर नजर आ रहे हैं। अब एसेट से आपने क्या समझा है, आपको एसेट क्या समझ आए हैं, क्या होते हैं, उसकी वन लाइन डेफिनेशन, उसके बारे में वन लाइन स्टेटमेंट, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इन सब के बारे में आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, और हर वो बात जो मैंने आपसे अब तक पीपीटीज में डिस्कस की, और पीपीटीज अपलोड हो गई है, चेक कर लिया, खुशी है हमारे साथ। सबसे पहले खुशी थी वो जिन्होंने कहा था कि सर आप पीपीटीज को अपलोड कर दें, खुशी आर यू देयर? नहीं है वो क्लास में, तो ये सबसे खतरनाक बात है कि आप लोग क्लास में मौजूद ना हो। तो चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैनेजेरियल अकाउंटिंग क्या है? मैनेजेरियल अकाउंटिंग जी मेरा बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजेरियल अकाउंटिंग के बारे में एक मैंने अपनी राय दी। यस एग्जैक्टली, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीन नाम हो गए बच्चों। फर्स्ट वन इज रिटन ऑन द स्क्रीन, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों एक ही अकाउंटिंग है, ये तीनों ब्रांचेस नहीं है, ये तीसरी ब्रांच स्टडी कर रहे हैं हम, और तीसरी ब्रांच के दो और नाम हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दिया, डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग का मकसद, इस अकाउंटिंग को परफॉर्म करने का मकसद, या ये अकाउंटिंग का एम मैनेजमेंट को असिस्ट करना होता है, मैनेजमेंट को इनेबल करना होता है
टू टेक सुटेबल डिसीजंस। इन सिंपल वर्ड देखो मैंने क्या कहा, नूरुल फातिमा आपने लिख के भी भेजा ना, कौन सी अकाउंटिंग है, ये डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग मेरा बेटा। अगर ये डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग है तो इस अकाउंटिंग में हमें डिसीजंस लेने में असिस्ट करेगी अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने में, बिजनेस की पोजीशन मालूम करने में मदद दे रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कॉस्ट जानने में, उनकी कॉस्ट डिटरमिन करने में, एसर्टेन करने में, मालूम करने में मदद दे रही है। एंड द अकाउंटिंग विच असिस्ट टू टेक डिसीजंस डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस इज कॉल्ड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? जब मैं कह रहा हूं इज इट क्लियर टू ऑल तो फिर रिप्लाई भी सबका होना चाहिए ना। अच्छा जी, शुक्रिया, आप सब माशाल्लाह रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। खुशी है कि आप रिप्लाई कर रहे हैं और आप मेरे साथ मौजूद हैं क्लास में, अगरचे कि मुझे अंदाजा है बहुत ज्यादा शदीद नींद आती है। अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन 15 मिनट्स रह गए हैं और ये बात मैं आप रिपीट कर दूं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी आयना मैं कर देता हूं। वैसे आयना मैंने ये पीपीटीज अपलोड कर दी है बेटा, मेरा बच्चा आपने चेक किया है GCR पर? यस्टरडे मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर वन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ तो चेक कर लीजिएगा है ना, मैंने कल इनको अपलोड कर दिया है और अगर नहीं किया है तो मैं देख लेता हूँ, हो सकता है मैंने C3 में किया हो, C1 में ना किया हो, तो मैं C1 वैसे मैंने कर दिया। किसी और बच्चे ने चेक किया? अपलोडेड, ओके रेहाना, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने चेक कर लिया, प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कह रहा था कि जितना काम मैंने क्लास में डिस्कस किया है ये तमाम काम आपकी नोटबुक में होना चाहिए। देखिए मैं बड़े प्यार मोहब्बत अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, ये बात तय है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आपने गलत जगह पर एडमिशन लिया है। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई होगी ना, आपको पता है इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होगी। यहाँ GCR पे आने का मकसद, गूगल मीट पे आने का मकसद पढ़ाई है, पढ़ना है। तो सर कैसे पढ़ना है? पढ़ तो रहे हैं, क्लास में तो मौजूद है। नहीं बच्चों, जब तक आप इस तमाम डिस्कशन को अपने रजिस्टर में नोट नहीं करेंगे, चाहे अब वो आपकी चॉइस है कि आप बाद में लेक्चर को देख के नोट कर लें, आप PPT से हेल्प लेकर चीज़ें अपने पास लिख लें, लेकिन आप ये बात बखूबी जानते हैं कि मैं सिर्फ PPT से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं अपने पास से भी बोल रहा हूँ। तो जब तक आप हमारी क्लास में मौजूद नहीं होंगे तो आपके पास अपने रजिस्टर में तमाम बातों को लिखना नामुमकिन होगा। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं आज अभी तक, लेकिन बस क्या करूं, आप लोगों ने शुरू के 15 मिनट भी इस तरह से वेस्ट करवा दिए। एक बात तो ये बता दी कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक को प्रॉपरली मेंटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम द वाइस प्रिंसिपल कि आप तमाम बच्चों की नोटबुक मेक श्योर करें कि वो प्रॉपरली मेंटेन हो रही है। और अगर हम अभी आपकी नोटबुक को चेक करना चाहें तो डेफिनेटली हम आपसे उनके इस जो है स्नैपशॉट्स लेकर वो अपलोड करने को कह सकते हैं, और आप किसी दूसरे की नोटबुक शेयर नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। रीज़न, आप जो भी अपलोड करेंगे वो यकीनन हमारे पास सेव हो जाएगा, फिर जब आप आएंगे तो फिजिकली उसको चेक किया जाएगा। एज वेल एज आप हर पेज के टॉप पर जब अपलोड करने को कहा जाएगा तो हर पेज के टॉप पर अपना नाम प्रॉपरली मेंशन करेंगे। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना हो कि एट 11th आर आप लोग परेशान हो कि यार हमें ये क्या काम दे दिया, क्यों लिखें, समझ तो आ गया है, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो अकाउंटिंग आती है, तो ये चीज़ें मैनेज करें। नंबर वन। नंबर टू, मैं आज एक असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, बड़ा आसान सा असाइनमेंट है, और वो है क्या, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर एसेट मालूम करने हो और लाइबिलिटी और कैपिटल पता हो तो क्या ये बहुत मुश्किल बात है? एसेट्स मालूम करने हो बिजनेस के, लाइबिलिटी और कैपिटल के अमाउंट गिवन हो, क्यों मुश्किल क्यों नहीं है बच्चों? मुश्किल क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं मुश्किल बात नहीं है, क्यों नहीं है मुश्किल? क्या करेंगे एसेट्स मालूम करने के लिए?
लायबिलिटी और कैपिटल को सिंपली एग्जैक्टली इक्वेशन में वैल्यू को लिखना है और बस अकॉर्डिंग टू आलिया माइनस करना है मेरा बेटा, हाँ प्लस करना है, आपने करेक्ट कर दिया, हाँ इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब ये तो मैंने आसान सी बात कही ना कि एसेट्स मालूम करने, अब मैं कहता हूँ कैपिटल मालूम करना है, तो कैपिटल मालूम करना है तो लायबिलिटी कैपिटल के साथ होती है। अब लायबिलिटी को कैपिटल के साथ नहीं रख सकता, लायबिलिटी को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, इक्वेशन क्या बन गई। थैंक यू मुदस्सर, थैंक यू किंजा, महक आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बिल्कुल भी, आप हमारे साथ क्लास में नहीं है मुझे लग रहा है, और अगर हैं तो आप सो रही हैं। जयाम आप स्टिल सो रहे हैं, तानिया का रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, ताबिश भाई का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप हैं तो बेटा पार्टिसिपेट करें ना, ये बाकी लोग भी तो लिख के भेज रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं लिख के भेज रहे। ताबिश साहब सर जो मैंने सवाल किया मुझे उसका जवाब देना, सर लिख के नहीं भेजना। जैफ आपका एक रिप्लाई नहीं आया पूरी क्लास में, मैं मैसेज मुझे देखना पड़ेगा, ये चैट सेव हो रही है आपकी नॉलेज में है ना ये बात अच्छे से। जैफ साहब का कोई रिप्लाई नहीं आया, अब आया जी, नहीं ये तो जैद का है, जैफ अली की बात कर रहा हूं। जैफ अली आर यू देयर, इफ्तिखार बेटा आप हैं क्लास में, जैफ आप हैं क्लास में, ये याद रखिएगा जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं जी, बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं बार बार जैफ अली कह रहा हूं, जैद हसन आप रिप्लाई कर रहे हैं, मैं जैफ अली कह रहा हूं बेटा। शायान जैसा बच्चा बेचारा जिसको अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शायान, लेकिन शायान के लिए इसलिए ज़रा तारीफ़ी कलामात बयान कर रहा हूँ कि वो बेचारा मुझे सुन के बोर होता है लेकिन फिर भी मेरी क्लास में मौजूद है और रिप्लाई भी कर रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या पढ़ने का स्प्रिट होगा कि बंदा जो है वो जानते हुए अकाउंटिंग की नॉलेज जानते हुए वो फिर भी मेरी क्लास में बैठा हुआ है कि नहीं भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे क्लास में होना चाहिए। जैस्मिन आप क्लास में हैं, कमिशा आप क्लास में हैं, हिबा आप क्लास में हैं, अलियान गौरी साहब आप क्लास में हैं, अलीशान अलीना, ओके जी, शुक्रिया आप लोगों के रिप्लाई करने का। तो फर्स्ट थिंग तो हो गई, फर्स्ट थिंग क्या हो गई जनाबे अली, आलियान गौरी आप हैं ना क्लास में, जरा अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। आलियान गौरी साहब जरा अनम्यूट कीजिएगा सर। यस सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आलियान बेटा जरा रिपीट कर दीजिए, आलियान गौरी साहब जरा रिपीट कर दीजिए, हमने क्या क्या कहा असाइनमेंट में, क्या क्या काम है सर, आपके सारे लेक्चर्स कॉपी में लिखने हैं। एक्सीलेंट, गूगल पे आ रहे हैं असाइनमेंट पे करने। दूसरी दूसरी बात पे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, रियली सॉरी, दोबारा बोलें दूसरी बात क्या कही, दूसरा असाइनमेंट वो भी कंप्लीट करने, दूसरा असाइनमेंट मैं अपलोड करूंगा आज, सही है, और वो असाइनमेंट है किस चीज से रिलेटेड बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन, कल का लेक्चर देख लिया आपने रिकॉर्डेड? यस सर, रात में देखा था। जी कोशिश क्या करें बेटा, क्लास में भी रहा करें। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेटा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब इन तीन में से अगर दो अमाउंट गिवन हो तो तीसरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सीलेंट, बस बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए जी। आतिफ करीम साहब आप हमारे साथ हैं क्लास में, आतिफ करीम, आतिफ करीम अस्सलाम वालेकुम, क्या आप हमारे साथ क्लास में हैं जी, जरा अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। जी सर। सर जरा जल्दी से ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को जो है वन लाइन स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर दें, तीनों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को जल्दी जल्दी। जी आतिफ साहब, शायान आतिफ से रिक्वेस्ट किए मैंने, आतिफ आप क्लास में हैं, आपका माइक
म्यूट हो गया बेटा। तो बेटा अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, जब आप अनम्यूट करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। जी आते सर। आतिश साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। माइक तो आपने अनम्यूट कर लिया लेकिन आप बोलेंगे तो आवाज आएगी। आतिश करीम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे स्टिल। ठीक है आपके माइक ने काम करना छोड़ दिया, मैं समझ गया हूँ। ठीक है आप माइक को म्यूट कर लें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी है आज हमारे साथ? हमेशा आर यू देयर, हमेशा करीम आर यू देयर? नहीं आते साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, शुक्रिया आप माइक को म्यूट कर लें। जब आपसे मैंने बात करनी शुरू की थी उस वक्त माइक से आवाज आई थी आपके, उसके बाद आवाज नहीं आ रही क्योंकि अब आवाज आने ही नहीं चाहती। जी कमिशा आर यू देयर? कमिशा आपने इससे पहले मुझे रिप्लाई किया है आप क्लास में हैं, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज अनम्यूट योर माइक। मुझे लग रहा है कमीशा भी क्लास में नहीं है। जब पूछने की बारी आती है तो बच्चों के माइक या तो खराब हो जाते हैं या इंटरनेट चला जाता है बेचारों का। जैस्मीन आप हैं क्लास में? प्लीज अनम्यूट योर माइक। जैस्मीन ठीक है, जिन बच्चों की आवाज नहीं आ रही है इन सबको मैं, यानी जिन बच्चों के माइक ऑन नहीं हो रहे हैं और जिन बच्चों के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं इन सबको मैं एब्सेंट मार्क करूंगा। ठीक है, जैस्मिन एब्सेंट है आज की क्लास में, कमेशा एब्सेंट है आज की क्लास में और आतिफ करीम का माइक बंद हो गया है। तो आतिफ करीम जल्दी से अपने माइक को ठीक कर लें वरना आपको भी एब्सेंट मार्क करूंगा। और जैसे ही आपकी आवाज़ मुझे आनी शुरू होगी फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आज की क्लास में कमेशा और जैस्मिन दोनों एब्सेंट हैं। लकी अली आप हैं क्लास में? लकी अली हैं हमारे साथ क्लास में? ओके, तो लकी अली भी नहीं है हमारे साथ क्लास में। मेरे ख्याल है बेहतर होगा कि मैं आपके सामने शो कर दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आतिफ करीम साहब का माइक ठीक हुआ, जैस्मीन और कमेशा दोनों एब्सेंट है आज की क्लास में। खुशी एब्सेंट है, लकी अली एब्सेंट है और मोहम्मद मुस्तफा आप क्लास में हैं? जयाम आप क्लास में हैं? जयाम साहब क्लास में हैं? जी शुक्रिया। इफ्तिखार साहब क्लास में हैं? इफ्तिखार आर यू देयर? और जैफ हैं क्लास में? सो गए दोबारा? हैं जैफ। जैफ अनम्यूट करें अपने माइक को और अकाउंटिंग की ब्रांचेस के बारे में वन लाइन स्टेटमेंट दें तीनों। जैफ प्लीज अनम्यूट योर माइक। जैफ, जैफ अली,
जैद नहीं बेटा, आपका नाम जैद हसन है, मैं जैफ अली कह रहा हूं। जी जैफ, प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस जी सर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मैं नाम लेता जाता हूँ, अगर आपको मुश्किल हो रही है, आपको याद नहीं आ रहा कौन सी ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में वन लाइन स्टेटमेंट। सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में बताता और है, सिर्फ और परफॉर्मेंस। नहीं सर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एक्सेलेंट, परफॉर्मेंस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या मदद करती है, किस चीज में, किस मकसद मकसद क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मकसद है वो है गुड्स मैन्युफैक्चर, जो बिजनेस जो गुड मैन्युफैक्चर करता है उनको उनके उनको डिटरमाइन करना, उनको उनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना। ओके, और मैनेजेरियल अकाउंटिंग? मैनेजेरियल अकाउंटिंग सर डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करते हैं और बिजनेस के मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं। यानी बिजनेस की मैनेजमेंट को इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब वो चाहे बिजनेस को कंटिन्यू करने का डिसीजन हो। थैंक यू सो मच जैफ साहब, स्टे ब्लेस। इसी तरह पार्टिसिपेट करते ना, और अभी तो आपने अनम्यूट करके पार्टिसिपेट किया, मुझे खुशी होगी कि अगर आप कमेंट्स में अपने चैट बॉक्स में भी मैसेजेस का रिप्लाई करते रहें, बात करते रहें, तो ये बड़ा अच्छा होगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा आपको खुद यकीनन। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ सर, एक एक बच्चे के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, एक एक बच्चे का मैसेज पढ़ रहा होता हूँ, मेरी पूरी नज़र होती है, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई मैसेज रह ना जाए। तो यकीनन ये बात करने का एक मीडियम है कि मैं आपसे थ्रू माइक बात कर रहा हूँ और आप जो है वो थ्रू चैट बॉक्स बात कर रहे हैं। इंटरेक्टिव इसी तरह हो सकती है क्लास। प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग, बट 8:46 हो गए, बस ये लाइन पढ़कर जल्दी से खत्म करते हैं क्लास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स विच आर एम्प्लॉयड बाय अ बिजनेस फर्म और अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेड टू बी एंगेज इन प्राइवेट अकाउंटिंग आर कॉल्ड प्राइवेट अकाउंटेंट्स। और वो अकाउंटेंट्स या उनका स्टाफ जो कि अपनी खिदमात देते हो फी बेसिस पर, वो कहलाते हैं पब्लिक अकाउंटेंट, या वो पब्लिक अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं फिर दोबारा ये दोनों जुमले कहकर क्लास को अख्तितम करने की तरफ जा रहा हूँ, और मैं असाइनमेंट्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। नंबर वन, वो अकाउंटेंट्स जो किसी बिजनेस के मुलाजिम हों, बहुत आसान उर्दू में कह रहा हूँ, प्लीज गौर से सुनिएगा। जैसे आपने सीए किया, आपने एमबीए फाइनेंस किया, और आप अकाउंटिंग का काम किसी बिजनेस के मुलाजिम बन के करने लगे तो आप कहलाएंगे प्राइवेट अकाउंटेंट। और अगर आपने अपनी एक कंसल्टेंसी खोल ली, आपने अपनी एक दुकान खोल ली, आपने अपना एक ऑफिस बना लिया जहां आपके पास और बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं, और जैसे मैंने आमना अभी अभी एग्जाम्पल दी ना, ये एग्जाम्पल तो है कि आपने सीए कर लिया और आप जाके किसी कंपनी में जॉब कर रही हैं, मुलाजमत कर रही हैं, नाउ यू आर अ प्राइवेट अकाउंटेंट। समझ आ गई आमना? और जब आप किसी बिजनेस में किस आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें अकाउंटेंट बनने के बाद, सर किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं? अकाउंटेंसी की सर्विसेज देने का। इसकी आसान, अगर आपको अकाउंटेंट अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझ में नहीं आ रही तो मैं आसान एग्जांपल प्लेस करता हूँ, शायद आप फौरन समझ जाएं। जब एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक स्टार्ट करता है तो समझ लीजिए कि वो पब्लिक डॉक्टर है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जब वो अपनी क्लिनिक स्टार्ट करता है तो वो पब्लिक डॉक्टर है, और जब वो किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब करता है तो अब वो क्या है? प्राइवेट डॉक्टर। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी ऑफिस में जाके अकाउंटिंग का काम करते हैं एज एन एम्प्लॉई, तो आप क्या हैं? आप हैं प्राइवेट अकाउंटेंट। और जब आप जाकर काम नहीं करते बल्कि आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां आप लोगों को कहते हैं वी प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवानी है तो हम अपने एम्प्लॉयज आपके पास भेजेंगे,
एम्प्लॉय वो हमारे होंगे, काम आपके लिए करेंगे। आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को इवैल्यूएट करवाना है, चेक करवाना है, उसकी तस्दीक करवानी है, ऑडिट करवाना है। हम अपने एम्प्लॉयज को आपके पास भेजेंगे, वो आके आपके ऑफिस में बिजनेस में चेक करेंगे। नाउ यू आर परफॉर्मिंग पब्लिक अकाउंटिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट टीचर आपके आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेशन मैं एंड कर दूंगा, तो फिर मेरा ख्याल सर हसन अब्बास हैं अगर मैं गलत ना हूँ। जी जी सर। सर मैं सेशन एंड कर दूं ना, कॉल एंड कर दूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। शुक्रिया शुक्रिया बच्चों, फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफि